द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड, इसे आप कह सकते हैं लिक्विड लविंग कोलाइड एंड लिक्विड हीटिंग कोलाइड। ये जो आप देख पा रहे हैं ये लिक्विड लविंग कोलाइड है और ये लिक्विड हीटिंग कोलाइड। ये अपने नाम से ही परिचय दे रहे हैं व्हाट इज लिक्विड लविंग एंड व्हाट इज लिक्विड हीटिंग। चलिए इनके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। लिक्विड लविंग का मतलब ये होता है जो द्रव से स्नेह रखे, जो द्रव से लगाव रखे, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जो द्रव से प्रेम रखे, राइट। तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड लविंग कोलाइड। यानी कि जो द्रव में आसानी से घुल जाए उन्हें हम लोग द्रव स्नेही कहेंगे। अब यहां बात करें लिक्विड हीटिंग, हीटिंग हीट मीन्स होता है नफरत। तो यहां पर जो द्रव से नफरत रखे, जैसे कहते आई हेट यू, हम आपसे नफरत कर रहे हैं, तो ये सब तमाम प्रकार के शब्द होते हैं। तो लिक्विड हीटिंग कोलाइड कहने का मतलब है हेट मीन्स होता है नफरत। जो द्रव से नफरत रखे, जो कोलाइड बच्चों द्रव में आसानी से न घुले, उन्हें हम लोग बोलेंगे द्रव विरोधी कोलाइड। चलिए अब इसके एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग समझते हैं। किसे कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड? वे कोलाइड पदार्थ जो द्रव में घुलकर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं उन्हें हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। इनका डिफिनेशन की बात करें तो हम यहां पर डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। वे पदार्थ जो द्रव में घुलकर, जो द्रव में घुलकर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। जो पदार्थ द्रव में घुलकर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। जैसे जिलेटिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, गोंद स्टार्च इत्यादि। अब यही बात करें तो द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में, लिक्विड हीटिंग कोलाइड। लिक्विड हीटिंग कोलाइड को दूसरे शब्दों में आप द्रव विरागी कोलाइड भी कह सकते हैं। शुद्ध एनसीईआरटी में यह लिखता है। द्रव स्नेही कोलाइड को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द्रव रागी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द्रव विरागी कोलाइड। ये है रागी और ये है विरागी, ये रागी ये विरागी, राइट। रागी वे होते हैं जो द्रव में घुलकर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, विरागी वे होते हैं जो द्रव में घुलकर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। अब यहीं अगर विरागी की बात करें तो जैसे इसके एग्जाम्पल से हम डायरेक्ट समझते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन सब कुछ यही है। यहाँ द्रव में घुलकर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, इसमें आपको लिखना है द्रव में घुलकर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। बड़ा सिंपल है, आपको हमने बता दिए, इतने में याद हो गया होगा। और जैसे सल्फर साल द्रव विरागी कोलाइड है। फेरिक हाइड्रॉक्साइड साल द्रव विरागी कोलाइड है। आर्सेनियस सल्फाइड साल, ये सब द्रव विरागी कोलाइड होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पाए कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड। जो द्रव में घुलकर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, बट जो द्रव में घुलकर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। दूसरे शब्दों में द्रव स्नेही कोलाइड में आप द्रव स्नेही कोलाइड को आप द्रव रागी कोलाइड कह सकते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड को आप द्रव विरागी कोलाइड कह सकते हैं। इसके पूर्व हम लोग कई कोलाइड के बारे में अध्ययन कर पाए। जब हम लोग परिक्षित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के बारे में अध्ययन कर रहे तो वहां पे हम लोग सीख पाए थे
कि द्रव स्नेही कोलाइड वे होते हैं जो अगर परिक्षेपण माध्यम बेंजीन होता है तो कोलाइडी विलयन का नाम बेंजोसाल होता है, वहीं परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल होता है तो कोलाइडी विलयन का नाम एल्कोसाल होता है, वहीं परिक्षेपण माध्यम जल होता है तो कोलाइडी विलयन का नाम हाइड्रोसाल होता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हम लोग अध्ययन कर पाए। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे और हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करते हैं एक नए हेडिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।